वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाषण में इमरजेंसी के जिक्र पर बवाल हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार 27 जून को ओम बिरला से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने उनसे आपातकाल का जिक्र करने पर नाखुशी जताई है। वहीं आपको बता दें कि राहुल ने कहा है कि पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है, इसे बचना चाहिए। और राहुल के साथ सपा के धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, डीएमके की कनी मोझी और एनसीपी की सुप्रिया सुले और आरजेडी की मीसा भारती, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन समेत अन्य सांसद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि संसद के इतिहास में अध्यक्ष का पद अभूतपूर्व है। एक नवनिर्वाचित स्पीकर के पहले कर्तव्यों में से एक के रूप में अध्यक्ष की ओर से यह इमरजेंसी का जिक्र आना और भी गंभीर हो जाता है।